हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार है। मेरे को 12 साल का एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्रीज़ में। मेरे इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यह है कि मैं आप सबको बता सकूं कि इस लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है, आप सबको ना करना पड़े। मैं इसको स्टार्ट करता हूं बेसिक से। मैं आपको सारी चीज़ प्रोसेस बताऊंगा, HTML, CSS, JavaScript, React, Angular, PHP, जो भी चीज़ आपको चाहिए आईटी इंडस्ट्रीज़ के लिए वो सब आपको यहाँ लर्निंग के लिए मिलेगी फुल चीज़। इवन मैं आपको इंटरव्यू के प्रिपरेशन भी कराऊंगा यहाँ पे। मैं जो भी मेरी कॉलेज स्टूडेंट ऑडियंस हो या फिर किसी को बेसिक अंडरस्टैंडिंग जाननी हो सारी कोडिंग रिलेटेड थिंग्स, वो सारी आपको पता चलेगी। आज मेरा फर्स्ट डे है इस ट्यूटोरियल का, तो स्टार्ट करते हैं HTML से। पहला दिन, आज का दिन थोड़ा थ्योरेटिकल होगा। कोडिंग में सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाऊंगा कि HTML हेलो वर्ल्ड कैसे लिख पाए वेब ब्राउज़र पे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि HTML होता क्या है, फिर करेंगे हम रिक्वायरमेंट पे क्या क्या चीज़ आपको चाहिए होंगी, क्या क्या चीज़ आपको आनी चाहिए HTML सीखने से पहले, क्या क्या सॉफ्टवेयर होने चाहिए आपके सिस्टम में कोडिंग सीखने से पहले, और HTML होती क्या है बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कौन कौन से कोड एडिटर, कोई भी लैंग्वेज होती है वो ऐसे तो लिख नहीं सकते, कहीं भी लिख देंगे तो उसके लिए या फिर नोट पैड या फिर कोई कोड एडिटर सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिस पर आप लैंग्वेज लिखते हैं। तो मैं वो भी बताऊँगा कि कौन से कोड एडिटर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और लास्ट में आपको मैं एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाऊंगा वेब ब्राउज़र पे। स्टार्ट करते हैं विद HTML क्या है। HTML इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTML कब इन्वेंट हुई थी, HTML हुई थी 1989, टिम बर्नर ली ने इन्वेंट किया था। अभी HTML का करंट वर्जन चल रहा है HTML5। HTML5 आपको मैं यहाँ भी सिखाऊंगा HTML5 ही, क्योंकि HTML5 ही करंट जो बाहर इंडस्ट्रीज हैं वो HTML5 ही मांगती हैं। तो HTML जैसे मैंने बताया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, फुल फ्लैश लैंग्वेज नहीं है। फुल फ्लैश लैंग्वेज मतलब ये सिर्फ आपको कलर कर सकती है, आपके टेक्स्ट कर सकती है, इमेज कुछ लगाने के काम आती है, लिंक लगाने के काम आती है, मल्टीमीडिया रिलेटेड थिंग्स। ये आपको जो लुक एंड फील है वो अच्छा दिखाती है, बाकी जो बैकएंड पे जो भी चीज़ें हैं जैसे क्लिक करके कोई भी इवेंट परफॉर्म करना, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जब भी मैंने इसको बोला ये फुल फ्लैश लैंग्वेज नहीं है। फुल फ्लैश लैंग्वेज के लिए आपको इसके बाद CSS जो कलरिंग के लिए स्टाइलिंग के लिए यूज होती है, और उससे JavaScript जो आपकी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाएगी दूसरे फंक्शंस के साथ। ये हम आगे चलेंगे पढ़ेंगे, अभी आप इसको इग्नोर करें। अभी ये जान लीजिए HTML सिर्फ एक आपको लुक एंड फील रिलेटेड दिखाएगी आपकी ब्राउज़र पे, कैसा ब्राउज़र पे आपका दिखता है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जान लेते हैं HTML स्टार्ट करने, HTML की कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चाहिए आपको सिस्टम में। जब भी आप HTML स्टार्ट करें तो सबसे पहले ध्यान रखें बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर या लैपटॉप की आपको होनी चाहिए, ये लैपटॉप कैसे चलाते हैं, कंप्यूटर कैसे चलाते हैं और इंटरनेट क्या होता है। अगर ये नहीं है बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले आएँ, फिर उसके बाद मेरा लेक्चर यहाँ से आगे स्टार्ट करें। सेकेंड रिक्वायरमेंट, बस इसमें दो ही रिक्वायरमेंट हैं छोटी छोटी जो आपको ज़रूरी हैं, बाकी उसके बाद आप फुली रेडी हैं HTML सीखने के लिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट है, आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, कहीं भी जहाँ आप कोडिंग करेंगे किसी किसी ने एडिटर पे तो करेंगे बेसिक जो HTML, वैसे नोट पैड पर भी हो जाती है, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा नोट पैड पर करने का, क्योंकि आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर इन फ्यूचर अपने आप को देखना चाहते हैं या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं तो नोट पैड इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन। बाकी चीज़ें ये भी आती है, IDE है, गीक ऑफिस का ब्रैकेट है, सब लाइन टेस्ट एडिटर है, विजुअल स्टूडियो कोड है, ये एक फुल एडिटर कोड है। तो इसके लिए आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा फेवरेट विजुअल स्टूडियो कोड है, VS कोड शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। ये विजुअल स्टूडियो कोड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है और इसमें इजीली डीबग कर सकते हैं आप कोई भी कोड को, और इसमें कोई आपको सिस्टम विस्टम हैंग नहीं होता, और जो मेरा बेस्ट फेवरेट ये है, एक्सटेंशन भी इजीली अप्लाई हो जाते हैं इस पर। अभी के लिए अभी रिक्वायरमेंट वाइज इतना ठीक है। अभी हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाएंगे आपको रियल कोडिंग पे। तो कोडिंग स्टार्ट करने से पहले एक अपने डेस्कटॉप पे आप HTML ट्यूटोरियल का एक फोल्डर बना लें। फोल्डर के अंदर, फोल्डर बनने के बाद सिंपली आप अपना इस पे क्रोम पे जाएं। क्रोम पे जाने के बाद इस पे लिखें VS कोड। VS कोड पे जाने के बाद जो पहली वेबसाइट आएगी code.visualstudio.com, यहाँ जाएं। अगर आपके पास मैक है तो मैक डाउनलोड कर लें,
अगर मैं मेरे पास मैक है तो मैक दिखा रहा है, आपके पास विंडोज़ होगा तो विंडोज़ में भी डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाएगा। इसे डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड का, मैं दिखा देता हूँ वो कैसा होता है। इस टाइप से होता है, इसको आप ओपन कर लें। जब आप ओपन कर लेंगे तो इसके बारे में हम सारी जानकारी मैं बाद में दूंगा। अपनी आपने जो बनाया है ओपन करके ओपन फोल्डर पे जाएं। ओपन फोल्डर पे जाने के बाद डेस्कटॉप पे जाएं। एचटीएमएल ट्यूटोरियल का मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था आपको याद है डेस्कटॉप पे, तो उसको यहाँ ओपन कर लें। तो अभी एचटीएमएल ट्यूटोरियल का फोल्डर जो था अभी जो है ब्लैंक है, अभी हमारे पास कुछ नहीं है। तो इसके अंदर हमें बनाना है कोड 1.html। HTML इसलिए लिखा है क्योंकि हर एक चीज़ जो आप डॉट एच टी एम एल लिखेंगे वो एच टी एम एल वेबसाइट होगी आपकी, जो आपके ब्राउज़र पर रन करेगी। तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ब्लैंक एच टी एम एल फाइल है। तो इसमें एक्सक्लेमेशन दे, ये एक बॉयलर प्लेट होती है जिससे आपका एच टी एम एल फाइव अपने आप ही एम्बेडेड हो जाता है यहाँ पे। तो इसको अभी आपको इन सब चीज़ों की जरूरत सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी धीरे धीरे बताऊँगा आपको क्या होता है। टाइटल इज़ ओके। इसके बाद इसमें H1 टैग में मैं ले लेता हूँ हेलो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारा पहला बना दिया है मैंने। इसमें मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है। एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप एच टी एम एल होता है, ये बताता है कि आप एच टी एम एल फाइव पे वर्क कर रहे हैं इस समय। ये एच टी एम एल टैग है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश ऑटोमेटिक आई है। एच टी एम एल टैग के अंदर ही जो पूरा एच टी एम एल है इसके अंदर ही लिखा जाता है, हेड के अंदर लिखा जाता है। मेटा डेटा होते हैं कुछ, मेटा डेटा आगे चल के बताऊंगा मैं आपको क्या होते हैं। मेटा डेटा होते हैं, टाइटल्स होता है, वेबसाइट का टाइटल डिफाइन होता है इसमें, कुछ लिंक्स डिफाइन होते हैं, कुछ स्क्रिप्ट डिफाइन होती है, सी एस डिफाइन होते हैं हेडर्स के अंदर। ये सब चीज़ आगे आपको पता चलेगी। जो हमारा बेसिक कोड होता है वो बॉडी टैग के अंदर ही होता है। बॉडी टैग के अंदर मैंने लिखा है H1 मतलब हेडिंग 1 पे हेलो वर्ल्ड लिखा है। चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करने के लिए आप क्या करेंगे, जहाँ भी आपका ये फोल्डर था एच टी एम एल ट्यूटोरियल, इसको ओपन करेंगे। कोड 1 है इसको, अगर कोड 1 आपके पास ये क्रोम बन के आ रहा था ठीक है, नहीं तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे क्रोम पे। मेरे बन के आ रहा था, मैं डायरेक्ट ओपन करूँगा। तो ये एच टी एम एल का पहला हेलो वर्ल्ड आपका मिल गया है यहाँ पे। तो इसको अभी हम स्लाइड शो पे जाके देखते हैं, अपनी स्लाइड पे जाके देखते हैं इसमें क्या था। पहला डॉक टाइप था एच टी एम एल। डॉक टाइप मैंने जैसे बताया एच टी एम एल फाइव, एच टी एम एल फोर के लिए बहुत बड़ा एक एक्सटेंशन होता है, वो मेरे को अभी याद नहीं क्योंकि मैंने एच टी एम एल फाइव पर ही काम किया है हमेशा। तो डॉक टाइप एच टी एम एल लिखेंगे। उसके बाद एच टी एम एल के अंदर टाइटल होता है, और टाइटल नहीं दिखाया मैंने आपको सॉरी, अभी दिखा देते हैं। डॉक्यूमेंट टाइटल, डॉक्यूमेंट जैसे कि वी एस कोड में टाइटल था डॉक्यूमेंट, ये टाइटल हमारा इस पे आ जाता है सिंपल ऊपर डॉक्यूमेंट्स पे। ठीक है, बाकी तो कोड सारा आपको पता चल गया। अब मैं बताता हूँ ये वर्क कैसे करता है। वर्क करता है ऐसे, पहले देखो आपने कोई कोड लिखा एच टी एम एल पे या कोई भी टेक्स्ट एडिटर पे, मैंने वी एस कोड पे लिखा है तो कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं। उसके बाद सेव फाइल कर देते हैं, सेव करते हैं फाइल डॉट एच टी एम एल से, डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन से, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इससे सेव कर दिया, तभी वो ओपन होगी आपके ब्राउज़र में। कोई सा भी ब्राउज़र हो गया वो उस पर ओपन होगी, फिर वो एच टी एम एल का पेज वहाँ रेंडरिंग हो जाएगा। उसके पास ही एच टी एम एल का कोड आपको देख पाएंगे। पर अभी जैसे मैंने बताया ये स्टैटिक कोड है, इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए सी एस एस और जावा स्क्रिप्ट के साथ ये सी एस एस आपके एच टी एम एल टैग को में कलर करेगा, और जावा स्क्रिप्ट उसको फंक्शनल बनाएगा चलने के लिए। तो ये सब चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे तो आपको फुली पता चलेगी कि क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया था एच टी एम एल टैग एच टी एम एल फाइव को रिप्रेजेंट करता है, और एच टी एम एल आपका रूट एलिमेंट है, हेडर जिसमें आपका टाइटल मेटा लिंक स्टाइल स्क्रिप्ट ये सब चीज़ बाद में हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। उसके अंदर एक टाइटल्स होता है, टाइटल मैंने आपको दिखाई दिया है। ये टैग्स होते हैं H1 H2 H3, ये हेडिंग टैग्स होते हैं, ये पैराग्राफ भी इसके अंदर लिख सकते हैं। और बाकी बॉडी टैग बंद हो जाता है, एक बॉडी टैग होता है जिसके अंदर ही सब कुछ एचटीएमएल लिखी जाती है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए होप कि आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि एचटीएमएल क्या होती है, एचटीएमएल का यूज़ करने से आपको मतलब किस किस तरह से आप इंटरेक्शन कर सकते हैं वेबसाइट से, रियल वर्ल्ड इंटरनेट पे किस तरह से हम
कैसे हम अपनी जो HTML आपने बनाई है उसको हम कैसे देख सकते हैं। तो HTML का फर्स्ट लेक्चर थोड़े थ्योरेटिकल था, कल से आपको कोडिंग से स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग से मैं आपको बताऊंगा कि पूरा HTML का कोर्स, पूरा सब कुछ एज ए डेवलपमेंट के लिए, डेवलपर, फुल डेवलपर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।